आई एम आर्यन सुकर्मा, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक कंटेंट। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप किस तरह से एक बिल्कुल शानदार तरीके से थंबनेल बना सकते हो, वो भी बिना सॉफ्टवेयर की मदद से, बिना क्रोम की मदद से, बिना पैसे पेड किए और बिना लैपटॉप की मदद से, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी एक एप्लीकेशन की मदद से। वो एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप केवल थंबनेल नहीं बना सकते हो बल्कि फेसबुक का कवर आर्ट बना सकते हो, अपने चैनल के लिए बैनर बना सकते हो और बहुत कुछ अपने लोगो, अपने चैनल के लोगो बना सकते हो। वो एप्लीकेशन मैं आप लोग को वीडियो में बता ही दूंगा। और वीडियो बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसके मदद से बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, वो भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं कैसे बनाते हैं थंबनेल उस एप्लीकेशन की मदद से। वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से एक बिल्कुल प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, वो भी अपने खुद के एंड्रॉयड फ़ोन में बिना लैपटॉप की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को एप्लीकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग को एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये इसके लिए आप लोग को सबसे पहले ओपन करना होगा अपने खुद के एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ। अगर आपका प्ले स्टोर सपोर्ट नहीं करता तो आप ऐप मार्केट से भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप लोग को ये आप देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर सर्च करना होगा सर्च बॉक्स में पिक्सल ऐप, PIXELLAB पिक्सल ऐप एप्लीकेशन। और इसका लोगो कुछ इस तरह का पीस बना हुआ है, यहाँ मेरा ओपन लिख रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो ये 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स आप ये देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसे ओपन कर आप लोगों को इसके सारे फंक्शंस बता दूंगा। फंक्शंस बताने से पहले आप मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वैसे समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं मैं हूँ पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन की अंदर। आप ये देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा, आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह करेगा। तो अभी मैं सारे टूल्स के फंक्शन को आप लोग को बता दूंगा। चलो, आप लोग को यहाँ नेक्स्ट टेक्स्ट मिलेगा तो आप लोग को क्या करना है, इसे यहाँ पर डिलीट करना है और आप लोग को एक वाइट वाला सेलेक्ट कर लेना और इसे ओके कर देना है। और उसके बाद आप लोग को फिर करना क्या, ये आप देख सकते हो ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर साइड में, आप ये देख सकते हैं। तो आप लोग को इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा होगा, एक ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, वो ऑप्शन है इमेज साइज। तो आप लोग को इमेज साइज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप लोग कस्टम पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ से इस एप्लीकेशन की मदद से क्या क्या बना सकते हो, स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर, स्क्वायर यूट्यूब चैनल बैनर और यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज, आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो अभी मैं अभी थंबनेल बनाऊंगा तो यूट्यूब थंबनेल करना और इसे ओके कर देना है। यूट्यूब थंबनेल के लिए ये साइज बेस्ट है। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा यूट्यूब थंबनेल आप किस तरह से सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टेक्स्ट को करूँगा, टेक्स्ट करने से पहले अभी मैं पिक्सल ऐप एप्लीकेशन का लोगो सेट करूँगा। तो आप लोग को लोगो सेट करने के लिए आप लोग को नीचे जाना होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लेयर टाइप का ऑप्शन बना हुआ 3rd नंबर पर और आप लोग को इस पर क्लिक करना है। और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक आप लोग को ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट का, तो आप लोग को वहाँ से क्लिक करना है और आप लोग को पिक्सल ऐप एप्लीकेशन का लोगो कर लेना और इसे राइट कर देना। अब आप लोग इसका साइज छोटा कर लें, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। तो अभी मैं इसे यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा और छोटा कर लगा देता हूँ। तो ये सेट हो गया मेरा लोगो। अब आप इम्पोर्ट जब अगर आप कोई भी फोटो को करेंगे तो उसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ सकता है, कुछ उसका नहीं हो सकता है। आप लोग को अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो आप लोग को यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी करना होगा। बट आप अगर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी करेंगे तो उसका आप कुछ भी आप उसका साइज़ को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट उस पर फिट बैठ जाएगा। तो फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए आप लोगों को इस प्लस वाले टेक्स्ट के लिए
आप लोग को इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। आप ये देख सकते हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से आप लोग को एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं उसे इंडिकेट कर देता हूँ, टेक्स्ट का ऑप्शन। तो आप लोग को इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर आप लोगों को इस पेंसिल वाले पे, ऊपर एक पेंसिल वाला है, आप लोग को उस पर क्लिक करना है और फिर एक इसी पेंसिल वाले पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो पेंसिल वाले पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं भी इसे हिंदी वाले में कर देता हूँ कन्वर्ट। प्रोफेशनल थंबनेल थंबनेल फ्री में। अब मैं हिंदी में कर देता हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोग को इसका साइज बड़ा करना होगा। तो आप लोग इसी पर क्लिक कर, आप लोगों को मैं इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर गोल सर्कल बना हुआ है, आप लोग उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर आपको देख सकते हैं कॉर्नर में नीचे ए पर क्लिक कर, इसका टी से है एक टी, इससे आप इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो अभी मैं इसे नीचे रखता हूँ और मैं इसे कीजिए, अभी मैं इसे पूरा डीप बना दूंगा और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, मैं इसे राइट कर देता हूँ। अब आप लोग को इसी पे क्लिक करना है और आप लोग को कलर पे आना है और कलर पे आने के बाद आप लोग को ब्लैक कलर सेलेक्ट कर इसे राइट कर देना है। उसके बाद आप लोग को ए बी फॉन्ट पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वनाथन बोल्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पर अभी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बी स्टाइल आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इस तरह का इसे कर बना सकते हैं और यहाँ से आप इसे बहुत कुछ, या आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैं अभी राइट कर देता हूँ। आप लोगों को फिर आना है स्टॉक पे और इसे अनेबल कर देना और यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक, मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका स्टॉक को, सॉरी वाइट नहीं, यहाँ वाइट तो सही नहीं करेगा, आप देख सकते हैं स्टॉक से ये होता है। मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पर कोई सेलेक्ट कलर को सेलेक्ट नहीं करूँगा और मैं इसे राइट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है और आप लोगों को फिर से यहाँ पर लिखना है नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ मनी फॉर, मैं इसे इंग्लिश कर देता हूँ, फॉर मेकिंग कॉमा नो नीड ऑफ लैपटॉप एंड नो नीड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो आप लोग इसे ओके कर दें। अब फिर से आप लोग को वही इस पे करना है, मैं इसे यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और आप लोग को मैं इसे थोड़ा एडिट कर देता हूँ। कलर पे मैं आता हूँ, मैं इसका कलर ब्लैक ही सेलेक्ट करता हूँ और अब ए बी फॉन्ट पर जाकर मैं इसे चंक फायर सेलेक्ट कर इसे ओके कर देता हूँ। आप चाहे कोई भी चंक फायर सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी, आपके ये मर्जी पे के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसे राइट कर, आपकी मर्जी पे ये डिपेंड करता है कि आप इसमें स्टक लगाते हो या फिर नहीं। तो मैं भी इसमें स्टॉक लगा देता हूँ वाइट कलर का, पर ये वाइट कलर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ऐसे जितना बड़ा करना है आप वाइट कर लीजिए, इसमें कोई वाइट वाइट काम करने वाला नहीं है। तो आप शेडो पे भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं शेडो भी बहुत सारा आता है, सब कलर का शेडो आ सकता है और यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लर भी कर सकते हैं इस शेडो को। तो आप कोई भी शेडो यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अभी शेडो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से आप ये देख सकते हैं, आप इसकी मदद से आप 3D बना सकते हो इसे, 3D आपको पहले इसे अनेबल करना होगा तब आप ये बना सकते हो। देख सकते हैं यार कितना ये मस्त लग रहा है, आप इसे राइट कर दें और ये देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। फिर आप लोग को करना क्या है, इसी पर क्लिक करना है और फिर अभी आप लोग को इस पर जाना है, इसे डिसेबल कर देना, इसे राइट कर देना है। तो फिर से हो गया इतना छोटा,
तो उसके बाद फिर आप लोगों को आप यहाँ 3D रोटेट आप कुछ तरह का रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे राइट कर देता हूँ। और 3D टेक्स्ट आप इसे 3D टेक्स्ट में बना सक कन्वर्ट कर सकते हैं, डार्कनेस ये आप देख सकते हैं कितना डार्क लग रहा है। मैं अभी से ये अभी मुझे ये 3D टेक्स्ट अभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसे डिजेबल करता हूँ। और आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में ये इसका जो शेडो है वो नीचे शो करेगा आपको। तो आप यहाँ से उसको शेडो को अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं, अगर जितना नीचे करना चाहते हैं वहाँ से उतना नीचे कर सकते हैं।